तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 71 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। तो आज मेरे पास बहुत सारे एमसीयू मूवीज और थोड़े से डीसी मूवीज के अपडेट्स हैं, जिनमें एंटमैन 3 मूवी से लेकर जोकर की कंट्रोवर्सी के अपडेट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एंटमैन 3 मूवी से, जहां केविन फेगी ने इस मूवी में जेनेट वैन डाइन के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो क्वांटम रियल की एक बहुत ही पावरफुल फ्रीडम फाइटर है और उसके गैंग के साथ एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री और कुछ इश्यूज है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो इस मूवी में ऑडियंस को दिखने को मिलेंगे। और इस मूवी में होप का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्ट्रेस एवेंजेलाइन लाइली ने उनके इंस्टाग्राम पर फॉर्मर एक्टर और करंट मीडिया पर्सनालिटी रशल ब्रांड की ये कंट्रोवर्शियल इमेज शेयर की थी, जिसका टाइटल WWE रॉयल रंबल है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन की इमेजेस WWE के गेटअप में है। और साथ ही इस मूवी के कई सारे अलग अलग पोस्टर्स और एम्पायर मैगजीन फोटोज सामने आए हैं। मैं स्लोली से पार कर दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिए। इसी के साथ एमसीयू ने उनके फेस 4 को खत्म करते हुए और फेस 5 को शुरू करते हुए एक टीजर ऑफिशियली रिलीज किया है। मैं उस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। अगली अपडेट है इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड, जहां इस मूवी में ड्यूक का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर बैली क्यूगन ने एक इंटरव्यू में इस मूवी के बैड रिव्यूज के रीजन शेयर करते हुए कहा है कि इटर्नल्स मूवी उतनी भी खराब नहीं थी जितना इसे बोला जा रहा है, बस फर्क इतना है कि ये मूवी एमसीयू में एकदम नए तरीके से बनकर ऑडियंस के सामने आई थी और वो होप करते है कि इटर्नल्स का सीक्वल जरूर से बने। आपको इसके बारे में लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की कास्टिंग के टाइम फैंस ये चाहते थे कि इसमें दिखने वाले एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर में टॉम क्रूज को कास्ट किया जाए, जहां जेम्स गन ने टॉम क्रूज को एज एडम वॉरलॉक ना कास्ट करने का रीजन शेयर करते हुए कहा है कि उनको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक यंग एक्टर की जरूरत थी, क्योंकि ये कैरेक्टर एमसीयू के फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। और शायद उनके स्टेटमेंट से लगता है कि मार्वल एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर को फ्यूचर में बहुत सारे मूवीज में यूज करने वाला है। अगली अपडेट है वकांडा फॉरएवर मूवी को लेकर, जहां इस मूवी मार्वल स्टूडियोज असेंबल स्पेशल एपिसोड फरवरी 8 को डिज्नी प्लस पर ऑफिशियली रिलीज किया जाने वाला है। इसी के साथ कुछ रूमर्स के मुताबिक अपकमिंग कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी की शूटिंग मार्च के मंथ में स्टार्ट होने वाली है। शूटिंग की बात हुई है तो अपकमिंग थंडरबोल्ट मूवी की शूटिंग जून 2023 में शुरू होने वाली है। यही पे आती लोकी सीजन 2 पे, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीजन में ऑडियंस को मल्टीपल कैंग वेरियंट देखने को मिलने वाले है, जिसके लिए जोनाथन बेजस ने और भी कुछ सीन्स की एडिशनल शूटिंग की है। या इस सीजन में टाइम लूप नाम का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जो कि पूरे टीवी का मेन पावर सोर्स होगा। इसके साथ डिज्नी ने अभी ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी वकांडा फॉरएवर फरवरी 7 को और अपकमिंग एंटमैन 3 मूवी फरवरी 17 को चाइना में ऑफिशियली रिलीज की जाने वाली है, जहां कुछ महीने पहले ही चाइना ने एमसीयू मूवीज को उनकी कंट्री में रिलीज होने पर 3 साल का बैन लगा दिया था। इसके साथ रायन रेनॉल्ड्स ने उनके इंस्टाग्राम पर ये एक इमेज शेयर की थी, जिसमें फनी वे में उन्होंने लिखा था कि अपकमिंग डेडपूल 3 मूवी में उनके सूट को अपग्रेड किया जाने वाला है। डेडपूल 3 की बात हुई है तो ह्यूज जैकमैन ने उनके कैरेक्टर वुल्वरीन के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो डेडपूल 3 मूवी में एक्समैन मूवीज के वुल्वरीन से भी बड़े ह्यूमन साइज में दिखने वाले हैं, जिसके लिए वो पर डे 6000 कैलोरीज हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जिससे कि उनको और बल्की साइज मिल सके। आगे जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज नहीं हुई थी, तब डिज्नी ने मैंटिस और स्टारलॉर्ड के ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप का स्पॉइलर देते हुए ड्रैक्स एंड मैंटिस का मार्वल स्टूडियोज असेंबल्ड एपिसोड डिज्नी प्लस पर रिलीज किया था, जिसके बाद फैंस की कंप्लेंट के बाद इसे डिज्नी प्लस से हटाया गया था। पर डिज्नी ने फिर से एक बार ड्रैक्स और मैंटिस पर बेस्ड मार्वल स्टूडियोज असेंबल्ड एपिसोड को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। इसके साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से और 318 के डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है। और साथ ही अपकमिंग डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीरीज में निक्की एम जेम्स को किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। अगली अपडेट है द जोकर द मैन हु स्टॉप लाफिंग कॉमिक सीरीज के राइटर मैथ्यू रोसेनबर्ग से रिलेटेड, जहां कुछ दिन पहले उन्होंने इस कॉमिक बुक के 4th इशू में प्रेग्नेंट जोकर के कैरेक्टर को दिखाया था, जिसके बाद कई सारे फैंस इसकी वजह से गुस्सा हो गए हैं, या इसकी वजह से मैथ्यू रोसेनबर्ग को फैंस से काफी बैकफायर झेलना पड़ रहा है। पर अभी इसको रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा कि उनको उनके डीएम में फैंस से कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और फैंस को ये समझना चाहिए कि ये बस मजाक के तौर पर दिखाया गया था। इसी के साथ कुछ रूमर्स के मुताबिक सैंडमैन सीजन 3 की शूटिंग इसी साल समर में स्टार्ट की जाने वाली है। आगे मैंडलोरियन सीजन 3 के इस न्यू पोस्टर के साथ इसका ट्रेलर भी ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जहां ये शो 1 मार्च को डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। मैं इस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। आगे बढ़े तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी फास्ट 10 का ट्रेलर जनवरी में रिलीज किया जाने वाला है और इस ट्रेलर
के लिंक अपने बैडएस रवि कुमार टाइटल रिवील ट्रेलर की तरह 3 मिनट को होने वाले है। इसके साथ एसएस राजामौली की ट्रिपल आर मूवी ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटो नाटो सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद फिर से एक बार क्रिटिक चॉइस अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग फॉर नाटो नाटो और बेस्ट फॉरन मूवी ये दोनों अवार्ड अपने नाम किए हैं। और साथ ही एसएस राजामौली ने उनके ट्विटर पर जेम्स कैमरन के साथ की कुछ इमेजेस शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जेम्स कैमरन को उनकी ट्रिपल आर मूवी बहुत पसंद आई है और वो फिर से एक बार उनकी वाइफ के साथ इस मूवी को देखने वाले हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतने अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बॉलीवुड मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।